कांग्रेस नेता पप्पू यादव के एक ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। हमारे साथ पप्पू यादव जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अब पप्पू जी ये बताइए कि एक ट्वीट आपने कल रात में किया, मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, इस ट्वीट का दरअसल मतलब क्या? भैया मतलब साफ समझिए ना, एक व्यक्ति राहुल गांधी जिसको मैं कंप्लीट रूप से त्यागी भी मानता हूँ और संत भी मानता हूँ, सेवक भी मानता हूँ, इनका आचरण आप देखिए, ये लोभी नहीं लालची नहीं, ये पद के और एक लंबा रिश्ता, मैडम 19 सालों से लगातार उस परिवार के सानिध्य और फिर उस परिवार का ट्रस्ट, प्रियंका जी का एक विश्वास मेरे लिए काफ़ी है। मेरे लिए मेरी लाइफ से ज़्यादा विचारधारा इम्पोर्टेंट है और मेरी लाइफ से इससे भी ज़्यादा मेरे लिए पूर्णिया की जनता, जो जिसे मैं भगवान मानता हूँ, कोसी की जनता, सीमांचल की जनता, वो इम्पोर्टेंट है। उनका सम्मान और उनका विश्वास नहीं खो सकता हूँ, चाहे राजनीति रहे जाए। देखिए विचारधारा पद से बड़ा है, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे चलते लालू यादव जी की का मैं सम्मान करता हूँ, पिता की तरह हैं, विपक्ष के नेता बनाने से, मुख्यमंत्री बनाने से लेके आज तक मैं उनके, मेरे दिलों में है और मैं उनकी बेटे की तरह ही इज्जत करता हूँ। उस दिन भी मैंने कहा कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूँगा, उन्होंने कहा कि आप तुम आ जाओ और मधेपुरा, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ सकता, साल भर से घर घर जाना और पूर्णिया से जो मेरे जीवन का रिश्ता है वो राजनीति का, कुर्सी का, पद का नहीं है, वह मेरे हर घर से मेरे परिवार का, ना वहाँ कोई जात है, ना धर्म है, ना मजहब है, सब भावनात्मक लगा, इमोशंस का लगाव है मेरे साथ और एक जो फीलिंग है मेरे और पूर्णिया के बीच, इमोशंस है, उससे, उस जज्बात को हमसे कौन दूर कर देगा, तो इससे बेहतर है मर जाना, पूर्णिया से दूर होने का मतलब है। मैंने वो बात कही, चूंकि कांग्रेस में यदि मैं, हम आए पहले से ये तय थी तो घर में ही है, घी कहाँ गिरी दाल में, दाल कहाँ गिरी दाल घी में, माँ और मासी, इसमें कोई गुरेज किसी को नहीं होनी चाहिए। अब सीमांचल कोसी एक मजबूत परिवार है, रिश्ता है, विश्वास है और कांग्रेस की भी सबसे मजबूत जो जमीन है पूरे बिहार में वो सीमांचल एक बड़ी ताकत है और सब दिन वहाँ कभी भी राजद जदयू को, सब दिन वहाँ कांग्रेस लड़ती रही है। मेरी माँ कांग्रेस समर्थन से लड़ी, इसके पहले भी कांग्रेस से लड़े, तो इसीलिए कांग्रेस की वो स्वाभाविक सीट भी है। जब हम आपसे आग्रह कर चुके थे, अनुनय विनय कर दिए थे, तो फिर आपका परिवार मेरे परिवार में कोई अंतर नहीं है, तो आप जिस तरह आपका परिवार है मेरे लिए वो फैमिली है, तो यह फैमिली तो लालू जी आपके लिए हैं, हम आपको पिता मानते रहे हैं, आप हमेशा बेटे की तरह हमें देखे हैं, लेकिन दूरी हमेशा, आज बीजेपी से लड़ना मुद्दा है, पप्पू से नहीं, सामने बीजेपी है, अब पप्पू का पद पे रहना मुद्दा नहीं है, मेरे लिए मुद्दा है बीजेपी को रोकना और कांग्रेस की विचारधारा और उस परिवार के विश्वास को आजीवन रखना। इसलिए मैंने कहा मर जाऊंगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा और दुनिया छोड़ दूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा।
दूसरा सवाल इसी पे था कि आपकी कांग्रेस में शामिल होने से पहले आपकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से होती है, घंटों की मुलाकात हुई, उसके बाद आप कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, तो कमाबेस पूर्णिया सीट को लेकर चूंकि लंबे समय से आप मेहनत कर रहे हैं और लगातार पूर्णिया के लोगों को देख रहे हैं, आपने कहा दिलों का जुड़ाव है, तो क्या इसको लेकर तो बात हुई होगी लालू प्रसाद यादव से, चूंकि इंडिया गठबंधन में सभी लोग अभी नहीं, मैंने तो कहा मधेपुरा नहीं जाऊँगा, सुपौल नहीं लड़ूंगा, पूर्णिया ही लड़ूंगा। मैंने तो लालू यादव जी से हाथ जोड़ के कहा, तेजस्वी जी इस बात को महसूस भी करते हैं, किए भी हैं, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि तेजस्वी जी हम एक भाई के नाते इस बात को समझेंगे और हम दोनों मिलकर काम करेंगे आगे। यदि कोई ठेस पहुंची हो तो लालू जी क्षमा करें, लेकिन गठबंधन मजबूत करें और बीजेपी को रोके। लालू जी हमेशा बीजेपी को रोकने के लिए जाने जाते हैं, मेरा आग्रह है लालू जी बीजेपी को रोकें। मैं मेटर नहीं हूं और कांग्रेस का की जो जिम्मेदारी और जो दायित्व होगा उसको बिल्कुल परिवार की तरह निभाऊंगा, लेकिन हर परिस्थिति में पूर्णिया के जनता के साथ पप्पू यादव खड़े। बिल्कुल, इसमें कोई बहस नहीं है। पूर्णिया इस जन्म में क्या, सात जन्म में भी अलग नहीं, पूर्णिया कंप्लीट मेरी माँ है। बस छोटा सा और आखिरी सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन में बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस से क्या बातचीत और सीटों के तालमेल में सहमति बन चुकी है, अभी भी लग रहा है क्योंकि अभी तक कांग्रेस के कोई प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है आरजेडी ने? ये बात मुझे नहीं पता, अभी हम प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे, कमेटी बताएगी, सीएलपी बताएंगे, प्रभारी बताएंगे। मैं इतना जानता हूँ कि कांग्रेस को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता कांग्रेस हमेशा से अपने घटक दल का सम्मान करती है, कांग्रेस के लिए देश सर्वोपरि है। जैसे राहुल गांधी को मैंने कहा, त्यागी भी है, सेवक भी है, संत भी है, उनके लिए कुर्सी मैटर नहीं है, देश मैटर है, तो इसलिए वो देश को देखते हैं, कुर्सी को नहीं देखते। चर्चा इसलिए शुरू हो गई कि भीमा भारती आरजेडी ज्वाइन करती है, तेजस्वी यादव सदस्यता दिलाता है, उसके बाद आपका ट्वीट आता है, तो ये एकदम वो मेरी बेटी और बहन की तरह है, वो क्या कराते हैं क्या नहीं करते, मेरा ट्वीट आना मेरे परिपेक्ष में है। वो राजद के नेतृत्व हैं, हमारे परिवार हो सकते हैं लेकिन वो राजद पार्टी है, वो निर्णय उनको लेना है और मेरे बारे में सोचने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लालू प्रसाद यादव को अपनी मन की बात जरूर बताएं। जरूर, मैंने वहाँ मिलकर कह दिया था, उस पर कोई बहस नहीं, लालू जी जानते हैं कि मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता, ये भी जानते हैं कि पप्पू यादव जिद्दी भी है, जो तय करते हैं वो करते हैं। नहीं, मैं ये इस पर जिद्दी उद्दी राजनीति में जिद्दी पर नहीं चलता है। मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वप्रथम है और देश सामने में है, पप्पू इम्पोर्टेंट नहीं है, देश इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आपने सुना ये पप्पू यादव थे, इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम लालू प्रसाद यादव से मिले थे और अपनी मन की बात उन्होंने हमको मधेपुरा को लेकर ऑफर किया था, लेकिन मैंने आप उनको बता दिया था कि देखिए पूर्णिया में घर घर जनता हमसे जुड़ी हुई है, पूर्णिया ही हमारा अगला कदम होगा, बाकी कांग्रेस को तय करना है कि क्या और कैसे होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।